गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, UPRT प्रयागराज से। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्लॉक 2, पेपर कोड BS, BEd SE01, ब्लॉक 2, यूनिट 4। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कॉग्निटिव एंड सोशल कॉग्निटिव थियरीज। तो सबसे पहले हम ये जब देखते हैं कि मैंने आपको पहले से बताया था कि हम आज कॉग्निटिव एंड सोशल कॉग्निटिव थियरीज के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने जो पिछले अध्याय में हमने विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा की थी, और प्रस्तुत अध्याय में हम प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत तथा बेंडूरा के सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। अब इसका चर्चा किया या इस अध्ययन की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हमें जानना चाहिए। उसके उद्देश्य इस प्रकार है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान कर सकेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विशेषताओं व कमियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की व्याख्या कर सकेंगे। वाइगोट्स्की के सिद्धांत के प्रमुख प्रत्ययों के नाम बता सकेंगे। पियाजे की वाइगोट्स्की के सिद्धांतों की तुलना कर सकेंगे। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताओं व कमियों को लिख सकेंगे। ब्रूनर व पियाजे के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग को स्पष्ट कर सकेंगे। बेंडूरा के सिद्धांतों की कमियों व विशेषताओं को अपने शब्दों में लिख सकेंगे। अब हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले पियाजे के सिद्धांत से। पियाजे का जो थियोरी है उसका नाम है पियाजे थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी में दो मेन कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी जितने भी मेंटल प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, इमेजिनेशन एटसेट्रा। फिर नंबर दो है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस इन्वॉल्व द चाइल्ड्स चेंजिंग, मतलब जो उस चाइल्ड को सीखने में जो परिवर्तन चाहिए होता है वो इसे बिलोंगिंग होता है। अब एडेप्टेशन के भी दो चीज़ें रोल प्ले करती है, एक तो सब प्रोसेस, दो ऐसा प्रोसेस होती है जिनसे मिलके एडेप्टेशन पूरा होता है, जैसे एक है एसिमिलेशन एंड दूसरा है एकोमोडेशन। अब पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चार स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 to 2 years तक आती है। इसमें शिशु इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव को प्राप्त करते हैं। पियाजे ने इसे 6 अवस्थाओं में बांटा, जो कि निम्न है। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, वो ये है 0 to 1 month तक, जिसमें स्टूडेंट सेल्फ सेंटर्ड होता है। फिर है स्टेट ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, इसमें ये जो टाइम होता है ये 0 to 1 to 4 month तक। फिर थर्ड है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज, 4 to 6 months तक। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा, ये 8 to 12 months तक। स्टेट ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, इसका टाइम होता है 18 to 24 months तक। और फिर नंबर टू पे आती है सेंसरी मोटर स्टेज के बाद आती है नंबर टू पे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम होता है 2 to 7 years तक। क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड होता है और कुछ और उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेंसेस के थ्रू होती है। लेकिन इसके बाद ये इस एज में आके, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आके, कुछ कुछ वो सोशल होने लगता है, उसकी एक्टिविटीज़ लैंग्वेज के थ्रू भी होने लगती है और वो सोशल होने लगता है। फिर थर्ड नंबर पर आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 12 years तक की एज तक रहती है। इसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले से बहुत काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है कंपेरेटिवली दोनों स्टेजेस के, और उसकी लैंग्वेज और वो कॉन्क्रीट लेवल पे होती है, जो चीज़ों के अकॉर्डिंग वो सीख पाता है चीज़ों को देख के।
सर नंबर चार पे आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो 12 साल से लाइफ टाइम तक चलती रहती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरिटी के साथ साथ बढ़ता रहता है और ये कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आता है या फिर कह सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब अगर हम प्याजे के थ्योरी की अगर हम बात करें उसके मेरिट्स कौन कौन से हैं, तो उसके मेरिट्स प्याजे की थ्योरी के कॉग्निटिव थ्योरी के मेरिट्स इस प्रकार हैं। प्याजे ने संज्ञात्मक विकास की व्याख्या अत्यंत व्यवस्थित ढंग से की है। तो प्याजे के अनुसार सीखना एक क्रमिक व आरोही प्रतिक्रिया है। बच्चे नेचर वाइज उसके अकॉर्डिंग प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे नेचर वाइज क्यूरियस होते हैं, एक्टिव होते हैं और नई नई खोज करने में करते रहते हैं। फिर प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास व्यवस्थाओं में व्याख्या ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि आयु व अनुभव में वृद्धि के साथ भी योग्यताओं में भी वृद्धि होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर एजुकेशन का असर पड़ता है। अच्छी एजुकेशन होगी तो फॉर्मल ऑपरेशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा, मतलब डेवलपमेंट उसी बेसिस पे होता है। और अगर ख़राब एजुकेशन होगी या लो लेवल एजुकेशन होगी तो जो डेवलपमेंट होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए इस स्टेज पे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बाद जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक तरह से पूरा हो जाता है। अब प्याजे के जो थ्योरी है उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये पूरी तरह से ये ऑब्जेक्टिविटी की बहुत कमी है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे पूरी तरह से सेंटर्ड है, मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सेंटर्ड है। कॉग्निटिव फॉर्मेशन, कॉग्निटिव के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर और भी चीज़ें आती हैं जो उसने इंक्लूड नहीं की है, जो कि बहुत गलत है कि वो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें मिलकर कॉग्निटिव फॉर्मेशन होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ही नहीं होता है, ये एक उसका एक पार्ट है। डेवलपमेंट फिक्स पैटर्न में होता है जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। प्याजे की कॉग्निटिव के एनालिसिस के बाद हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत चाहे कितना भी मतलब कुछ कमियां को दो चार का एवेल्यूएशन करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फील्ड में। इसके बाद हम बात करते हैं वाइगोट्स्की की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की। वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट एसर्ट्स दैट अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी गाइडेड मीडिएटेड बाय देयर सोशल इंटरेक्शन। इसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चा सीखता है वो खुद से नहीं सीख पाता है, बल्कि वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू या मीडिएटेड एक पर्टिकुलर कोई किसी मीडिएशन के थ्रू, चाहे वो किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, किसी कंप्यूटर इंटरनेट का ज़माना है जैसे आज, उससे भी सीख सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के थ्रू। तो एक इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, खुद से नहीं सीखता, जैसे कि प्याजे ने कॉन्सेप्ट दिया था उसमें। ये इस तरह से उससे एकदम अलग है। इसमें दो तत्व सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दो फैक्टर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो है नंबर वन है टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, जिसमें भी दो पार्ट्स हैं। मध्यस्थ मेडिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके थ्रू सीखता है मेडिटेशन व्यक्ति व प्रतीक सीखने वाले व विषय वस्तु के बीच मेडिटेशन का काम करते हैं। अभी व्यक्ति भी हो सकता है जिसके थ्रू सीखते हैं, जिसके हेल्प से सीखते हैं, और ये कोई टूल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल टूल, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू बच्चा बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू बच्चा सीखता है, और बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में साइकोलॉजिकल टूल्स जिनके थ्रू उनके कॉग्निटिव थ्योरी मेजर भी की जा सकती है। अब है नंबर टू पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें स्वतंत्र रहकर सीखने की न्यूनतम सीमा स्तर से लेकर एक पर्टिकुलर लिमिट से, मतलब जो लो लेवल होता है उसे जहाँ तक सीखते हैं, जहाँ तक बच्चा स्वयं से सीखता है, और एक लेवल जहाँ पे बच्चा एक गाइड के थ्रू सीखता है, तो लो लेवल से हाई लेवल तक जहाँ तक बच्चा एक गाइड बच्चे को सिखा सकता है वो इसमें आता है। तो उसमें गाइड उसकी हेल्प करता है सीखने में, जैसे हमने पहले ही बात की मीडिएशन की। अब नंबर तीन है स्कैफोल्डिंग।
स्टूडेंट की कॉग्निटिव एबिलिटी के अकॉर्डिंग हेल्प का लेवल चेंज करते रहना चाहिए, इसमें करते रहना पड़ता है। जैसे लो लेवल आईक्यू के बच्चों को या जिनकी लर्निंग या कॉग्निटिव लेवल लो है तो उनकी उन्हें हेल्प ज़्यादा दी जाती है, और जिन्हें जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है जैसे गिफ्टेड चाइल्ड की बात करें तो उन्हें हेल्प कम दी जाती है। गाइड का पार्टिसिपेशन, नंबर 4, गाइड का पार्टिसिपेशन की बात करें तो सिखाने सीखने वाले के बीच में जितना इंटरेक्शन होगा बच्चा उतना ही अधिक सीखता है। नंबर 5, थॉट एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 6, साइकोलॉजी ऑफ प्ले, अब गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए बच्चों के करिकुलम में गेम्स स्पोर्ट्स ज़रूर होना चाहिए। अब कंपेरिजन ऑफ माइगोस्की एंड प्याजेस थियोरी, इन तो इनके बीच में क्या क्या तुलना करना कि इनमें क्या अंतर है। प्याजे की थियोरी हमें बता, प्याजे की थियोरी जो बेस है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी है, जबकि वाइगोर्स्की की थियोरी सोशल कॉग्निटिव थियोरी है। नंबर 2, इसका कॉग्निटिव बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो किए जाने स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि अगर वाइगोर्स्की की थ्योरी की बात करें तो वो सांस्कृतिक परिवेश से अंतर्क्रिया पर डिपेंडेंट रहता है। प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग, नंबर 3, प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चा सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स को भी सोशल वेलफेयर के लिए यूज करता है, और वाइगोर्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग दूसरों के बिहेवियर को फॉलो करके सीखता है, सोशल बिहेवियर एक्सेप्ट करता है, इमिटेशन के थ्रू सीखता है। प्याजे की थ्योरी में क्या अगर की बात की जाए तो वो पीयर ग्रुप से, उसका डेवलपमेंट पीयर ग्रुप से इंस्पायर्ड होता है, और वाइगोर्स्की के थ्योरी के अकॉर्डिंग पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प होती है। इस तरह से दोनों थियोरीज एक दूसरे से अलग हैं। ब्रूनर थियोरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें एक जेनेटिक कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कोडिंग सिस्टम परमिट करता है वन टू बियॉन्ड द डाटा टू न्यू एंड पॉसिबली फ्रूटफुल प्रेडिक्शंस। इसमें कोडिंग सिस्टम जो परमिट करता है कि नए स्थिति से पुरानी स्थिति से सीखकर नई स्थिति में जाने के लिए, कि मतलब बेहतर फ्रूटफुल कंडीशन में, ताकि बच्चा कुछ अच्छा सीख सके। और ब्रूनर ने इसके 3 मोड्स बताए रिप्रेजेंटेशन के लिए। पहला है एक्टिव मोड जो 0 to 1 ईयर्स तक आ तक है, जिसमें बच्चा शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्ति करता है। नंबर 2 आइकॉनिक मोड होती है, ये 1 to 6 साल तक होती है, जिसमें बच्चा जानकारियों को देखकर सीखता है, मेंटल मैपिंग करता है और साथ में मेमोराइज करता है, उसे अब संचित करता रहता है अपनी मेमोरी में। नंबर 3 होती है सिंबॉलिक मोड, जिसमें जो आता है 7 साल के बाद तक से लाइफ टाइम तक, इसमें सूचना का जो संचय कोडिंग और सिंबल के थ्रू होता है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग प्रोसेस ऑफ ब्रूनर थ्योरी, इसमें बताया गया है कि इंटीट्यूटिव थिंकिंग की अपेक्षा एनालिसिस ज़्यादा पर ज़्यादा बल दिया गया है ब्रूनर ने। फिर डिस्कवरी लर्निंग को के बारे में बताया, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बताया कि खोज के थ्रू या लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू पढ़ाना चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाले ज्ञान व्यक्ति समाज के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। छात्रों के अनुरूप करिकुलम तैयार करना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, खुद करके लर्निंग बाय डूइंग की बात कैसे मैंने की थी, लर्निंग बाय डूइंग करना चाहिए, इससे एफिकेसी में ज़्यादा बढ़ती है लर्निंग में। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाने का तरीका होना चाहिए, पहले सिंपल से स्टार्ट करना चाहिए और सिखाते सिखाते कॉम्प्लेक्स तक ले जाना चाहिए।
अब ब्रूनर और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों की क्या क्या समानता है। दोनों बालक के सामाजिक वातावरण को महत्व देते हैं। दोनों के अनुसार बच्चे सीखने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। दोनों के अनुसार बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्राकृतिक होती है। अब इसके बाद बात आती है कि ब्रूनर के बाद बात आती है बेंडुरा की थ्योरी, बेंडुरा की सोशल कोग्निटिव थ्योरी। सीखना सामाजिक परिवेश में व्यक्ति वातावरण व व्यवहार के मध्य गतिशील द्विपक्षीय अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रकार है। सबसे पहले है मॉडलिंग। बच्चों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे दूसरों जिन्हें वे आदर्श के सैद्धांतिक उपागम वैसे व्यवहार सीख लेता है, जैसे कि वो जिसे वो रोल मॉडल मानते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे देख देख के वे जैसा व्यवहार करता है उसी को देख के वो व्यवहार करते हैं। फिर जैसे मैंने बताया अभी रोल मॉडल, उसे ऑब्जर्व, बच्चा ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है। फिर आता है इमिटेशन यानी कि अनुकरण। बच्चे अपने माँ बाप तथा परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके सीखते हैं। सेल्फ एफिकेसी, लर्निंग सबसे ज़्यादा तब होती है जब बच्चा लर्निंग ऑब्जर्व करे मॉडल के और उनके बीच में आइडेंटिफिकेशन हो, इससे लर्निंग में इफेक्टिवनेस आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा से होता है। फिर आता है पारस्परिक नियतवाद यानी कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसमें व्यक्ति व वातावरण एक दूसरे पर प्रभावित करते हैं, मतलब व्यक्ति वातावरण को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन या देखिए तादात्म्यकरण। मॉडल के व्यवहारों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेक्षक को मॉडल के साथ तादात्म्यकरण करना चाहिए। अब इस थियरी के कुछ लिमिटेशंस हैं, सोशल कॉग्निटिव थियरी की जो बेंडुरा की थियरी है वो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यह सिद्धांत मान लेता है कि वातावरण में परिवर्तन से व्यक्ति में परिवर्तन होता है जो हमेशा सत्य नहीं होता है। यह सिद्धांत पूर्णतः व्यवस्थित भी नहीं है, ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करता है। अधिग्रहण प्रक्रिया पर जोर तथा प्रेरणा में संवेगों की अपेक्षा गलत है। पूर्ण रूप से व्यवहार में इस थियरी को लाना पॉसिबल नहीं है। इस थियरी की इतनी सीमाएं होने के बाद भी इसकी यूजफुलनेस कम नहीं होते। इसके कुछ यूज हैं इस प्रकार एजुकेशन में। यूज ऑफ सोशल कॉग्निटिव थियरी इन एजुकेशन। बेंडुरा ने देखकर सीखने पर बल दिया है। अध्यापक या प्रधान अध्यापक को स्वयं को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि छात्र अनुकरण करें। अध्यापकों द्वारा बच्चों को सीखने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए तथा अच्छे व्यवहार व प्रदर्शन पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर बच्चे को बताया जाएगा कि वो गलत कर रहा है तो उसे दंड दिया जाता है तो उसे पता चल जाएगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर उसे सम्मान दिया जाएगा या पुरस्कार दिया जाएगा तो पता चल जाएगा उसे कि सही कर रहा है, इसलिए उसे करना चाहिए। इससे उसे उसके अंदर वैल्यूज के कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। अध्यापकों द्वारा बच्चों को सिखाने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति बनानी चाहिए अध्यापकों को कि वो लर्निंग सेल्फ लर्निंग कर सके, वो करके सीख सके, एक्टिविटीज़ के थ्रू सीख सके, इससे उसकी लर्निंग और अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी। अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों को स्वयं को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि छात्र अनुकरण करें। पाठ्यक्रम करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए जिसके और उसके द्वारा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए तथा जिससे और अच्छे, अगर वो इसके थ्रू मतलब गेम्स और स्पोर्ट्स के थ्रू या फिर को करिकुलर जितनी एक्टिविटीज़ है उसमें वो अच्छा प्रदर्शन करें और उनका व्यवहार सपोर्टिव हो तो उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो आगे भी इसे करने के लिए। टीवी इंटरनेट पर अनुकरणीय प्रोग्राम्स देखने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम उसे देखने चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो और उनके अंदर उनका बिहेवियर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे से चैट बॉक्स के थ्रू मैसेज के थ्रू
या फिर फेस टू फेस यूनिवर्सिटी में आके पूछ सकते हैं।